ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि विकास अवसर लेकर आता है। गांव में हो रहे विकास ने भी कई नए अवसर पैदा किए हैं, उसके बिजनेस करने का अवसर। आज इस वीडियो में मैं आपको गांव में अपनी नई दुकान खोलने और उसे सफलतापूर्वक चलाने के कुछ टिप्स दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक शादी का कार्ड मुझे मिला। राजस्थान में शादी थी, छोटे से गांव के अंदर। वैसे मैं बता दूं कि मैं भी छोटे से गांव, गांव नहीं कहूंगा, कस्बा है, जहां की पॉपुलेशन शायद 350 लोगों से ज़्यादा की नहीं है, उस गांव से ही हूं मैं। भले ही मेरा बर्थ सीकर थोड़े शहर में हुआ, लेकिन हमारा गांव जो बोला जाता है टोडास, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, मैं वहीं से हूँ। मैंने सोचा जाएंगे कि नहीं जाएंगे शादी में, पता नहीं, लेकिन जब घर पहुंचा तो पता चला कि जिनकी शादी है वो पापा के घनिष्ठ मित्र हैं। पापा जी के आदेशानुसार मुझे उस शादी में जाना पड़ा। बेमन से ही सही, मैं शादी वाले दिन गांव में पहुंच गया। दोस्तों, शादी अच्छे से बीत गई, पर एक चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया, वो थी खुद वो गांव। उस गांव में दोस्तों पक्के घर, पक्की सड़कें, घरों में एसी और डिश टीवी लगे हुए, हर तीसरे चौथे घर में एक फोर व्हीलर, सबके हाथ में स्मार्टफोन, आरओ का पानी, अच्छा खासा मार्केट। मैंने अंकल जी को बोला, अंकल जी आपका गांव तो छोटे मोटे शहरों को फेल कर रहा है। वो मुस्कुरा दिए और मैं सोच में पड़ गया। उसी दिन तय कर लिया था कि अपने इस एक्सपीरियंस पर एक वीडियो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट हमारे ग्रामीण इलाकों में, हमारे गाँव में साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सी सुविधाएं जो पहले सिर्फ शहरों में हुआ करती थी, आज आसानी से गाँव में उपलब्ध है। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी भी काफ़ी गांव विकास की राह देख रहे हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन मैं जिस गांव से होकर आया हूं वो अकेला नहीं है। भारत के लाखों गांवों की तस्वीर बदल चुकी है या बदल रही है। मुझे उम्मीद है आपका गांव भी पहले से काफ़ी बेहतर हुआ होगा। आपके गांव का क्या हाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विकास अवसर लेकर आता है। गांव में हो रहे विकास ने भी कई नए अवसर पैदा किए हैं। उन्हीं में से एक है अपना खुद का बिजनेस करना, खुद के बिजनेस करने का अवसर। आज इस वीडियो में मैं आपको गांव में अपनी नई दुकान खोलने और उसे सफलतापूर्वक चलाने के कुछ टिप्स दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि अपना काम करना या दुकान खोलना क्यों सही है और किसके लिए सही है। दोस्तों, हाल ही में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक सर्वे छपा था, जिसमें ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि लगभग 56% नौकरी पैसा लोग अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। यानी अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो बहुत अधिक चांस है कि आप कुछ समय बाद उसे छोड़कर अपना काम करने की शुरू करने की सोचेंगे। दोस्तों, हालांकि मैंने भी ऐसा ही किया है। मैं नौकरी कर रहा था और करते 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 सब कुछ था मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैंने एक बिजनेस की ओर अग्रसर किया अपने आप को और बिजनेस शुरू किया। और आज आप देख सकते हैं कि आज हमारी कंपनी टॉप 10 में है सूरत के अंदर। तो ये सोचना कोई बड़ी बात या कोई गलती नहीं है, सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए। क्यों ना शुरुआत ही अपनी बिजनेस से की जाए। इसके अलावा आप जितने यंग होते हैं उतना अधिक आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी होती है। दोस्तों, 10 साल बाद आप बिजनेस करने की सोचने से अच्छा है कि आप आज ही अपना बिजनेस शुरू करें। क्या पता 10 साल में आप इतना अधिक ग्रो कर जाएं कि आपकी एक नहीं 10-10 दुकानें हों। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बना होता है। हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके लिए नौकरी करना ही सही हो,
मेरी नज़र में बिजनेस उसे करना चाहिए जो जीतने के लिए तैयार हो, और जीतने के लिए वो तैयार होता है जिसके अंदर सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होती है। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल है तो अपनी नई दुकान खोलकर बिजनेस जरूर शुरू करें। अगर आपने बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया है तो सवाल उठता है कि बिजनेस किस चीज का किया जाए। इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है। कोई कपड़ों का बिजनेस करने का सोच सकता है, तो कोई मिठाई की दुकान खोलने का, तो कोई किसी और चीज का। बिजनेस आप चाहें जिस चीज का शुरू करें उसे चलाने और सफल बनाने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि मुझे कपड़ों के बिजनेस का 30 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं एक टेक्सटाइल बिजनेस करने का एग्जाम्पल देकर अपनी बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इनमें से कई बातें आप अन्य बिजनेस पर भी लागू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गांव में नई दुकान खोलने के टिप्स। इन टिप्स को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पार्ट है दुकान खोलने से पहले क्या-क्या करें, और दूसरा पार्ट है कि दुकान खुल जाए तब हम क्या-क्या करें। नंबर 1, पैसों का इंतजाम। कपड़ों का बिजनेस या कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसमें कितनी पूंजी लगनी है और उसकी व्यवस्था कैसे होगी। कपड़ों के बिजनेस की बात करूं तो आपको दुकान तैयार करने, उसके किराए, कपड़ों का स्टॉक मंगाने जैसी चीज़ों के लिए पैसे का इंतजाम करके रखना होगा। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इतनी पूंजी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि कम से 3 महीनों तक आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। पैसे इकट्ठा करते समय प्रयास करें कि आप बहुत अधिक ब्याज पर किसी से पैसे लेकर बिजनेस शुरू ना करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंकों और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले जो लोन होते हैं वो सही रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि घर वालों से मदद मिल जाए तो उस सोने पे सुहागा है दोस्तों। लेकिन किसी भी सूरत में ब्याज पर पैसा उठाकर बिजनेस ना करें। सूद पर, जिसको बोलते हैं, जिसका कि हमारे गांव में एक ऐसा प्रचलन है, 3%, 4%, 5%, 7% जो इंटरेस्ट लगता है, वो लोन लेने का प्रयास ना करें। नंबर 2, दुकान की लोकेशन और डिजाइन। एक बार एक बिजनेस गुरु से किसी ने पूछा, बिजनेस में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। उन्होंने कहा 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, लोकेशन। नंबर 2, लोकेशन। नंबर 3, लोकेशन। आइडियली लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां अधिक से अधिक ग्राहकों का आना जाना, यानी फुटफॉल ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसी लोकेशन पे अगर आप दुकान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। या फिर कोई ऐसा हाट बाजार जहां आसपास के कई गांव के ग्राहकों का आना जाना हो, वो जगह आपके लिए सही रहती है। शुरुआत करने के लिए दुकान रेंट पर ही लेना सही रहता है। इससे एक तो आपका अधिक पैसा नहीं फंसता है, दूसरा अगर किसी कारणवश आप अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लोकेशन के अलावा आपको दुकान का सेटअप भी बिजनेस के हिसाब से करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी वहाँ की पॉपुलर दुकानों पे विजिट करें और देखें कि उन्होंने दुकान कैसे सेट कर रखी है, और कुछ वैसा ही अरेंजमेंट अपनी दुकान में भी रखें। नंबर 3, विनम्र व्यवहार। दुकानदार का व्यवहार बिजनेस को चलाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम खुद उस दुकान पर जाना पसंद करते हैं जहां हमारा स्वागत मुस्कुराहट के साथ हो, ना कि झल्लाहट के साथ। दोस्तों, अजमेरा फैशन में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक चाहे 25,000 का माल ले या 50 लाख का या ना ले, उसके साथ उत्तम व्यवहार ही हो। ग्रामीण इलाकों में तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। एक व्यक्ति के साथ किया गया दुर्व्यवहार कई ग्राहकों को आपसे दूर कर सकता है दोस्तों। दोस्तों, कपड़े की दुकान में कस्टमर से डील करते वक्त अगर आप जिस इंटरेस्ट और जोश के साथ ग्राहक को पहली साड़ी दिखा रहे हैं, उसी इंटरेस्ट और जोश के साथ उसको अपना 20वां प्रोडक्ट या 20वीं साड़ी भी दिखाते हैं, तो आपको इस व्यवसाय में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।
नंबर चार, प्रोडक्ट। दोस्तों, दुकान, लोकेशन, व्यवहार सब कुछ सही है, सब कुछ कुशल भी है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। क्योंकि एक बार तो आप कपड़ा बेच लेंगे, अगर उसकी क्वालिटी में दम नहीं है तो दोबारा कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो प्रोडक्ट ही है जो ग्राहक को वास्तव में खुश कर सकता है। तो सवाल है कि सही प्रोडक्ट क्या है और इसे कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। मेरी समझ में सही प्रोडक्ट वो है जो आसानी से बिके और ग्राहक उसे यूज़ करने के बाद संतुष्ट भी रहे। इसके लिए आपको प्रोडक्ट के प्राइस और क्वालिटी के बीच एक ऐसा तालमेल बैठाना होता है। उदाहरण के लिए, कपड़े के बिजनेस में आपको अपने एरिया का टेस्ट पता होना चाहिए। अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर लगभग 1 लाख से अधिक व्यापारियों ने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बिहार का दुकानदार आता है और वो माल पसंद कर लेता है जो गुजरात में तो धड़ल्ले से बिकता है लेकिन बिहार में नहीं बिक पाता है। ऐसे में हम उसे समझाते हैं कि आपके यहाँ ये वाला माल नहीं चलेगा, बल्कि ये वाला माल अच्छे से बिकेगा। कई लोग समझते हैं तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझते हैं तो हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको बाद में जब ये गलती का एहसास होते हैं तो वो दोबारा आते हैं और मानते उस चीज़ को कि नहीं, आपने हमें सही कहा था। तो एक लाइन में अगर कहूँ तो आप दुकान में वो चीज़ रखें जो ग्राहक को पसंद आए, अपनी पसंद उस पर थोपने का प्रयास ना करें। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस का ध्यान जरूर रखें। कपड़ों के बिजनेस में आप इस बारे में या किसी और तरह की जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके एक्सपर्ट से हमारे पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर 5, केस फ्लो पर नजर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर छोटे बिजनेस किस कारण फेल हो जाते हैं? जवाब है कैश फ्लो। कैश फ्लो होता क्या है? कैश फ्लो का अर्थ है कैश यानी नकद पैसों का आना जाना। अक्सर कारोबारी कहते हैं, भाई पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ चला जाता है, यही कैश फ्लो है। जब जाने वाला पैसा आने वाले पैसे से अधिक हो जाता है तब यह कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, तभी सफल हो पाता है जब पैसों को सही ढंग से मैनेज करना आपको आता हो। कैश फ्लो कैसे सही रखा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो कृपया कमेंट में सिर्फ हाँ या यस लिखकर भेज दें, मैं अपने चैनल पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप कैश फ्लो के बारे में पूरी तरह समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिससे कि उस वीडियो को आप मिस ना कर पाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप समझ लीजिए कि आपको पैसों के लेन देन में बिल्कुल क्लियर होना होगा और सही से पैसे का लिखित हिसाब किताब रखना होगा, चाहे रजिस्टर में रखें, कंप्यूटर में रखें या किसी मोबाइल ऐप पर, लेकिन हर एक पैसे का सही हिसाब रखना दुकान की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट पर, जो है तो आखिर में लेकिन आप सबसे ऊपर भी रख सकते हैं, यानी नंबर 6 पॉइंट, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। अगर आप अपने बिजनेस के सबसे कामयाब लोगों में से एक बनना चाहते हैं तो हमेशा दुकानदारी से पहले ईमानदारी को रखिए, यानी पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। दोस्तों, अजमेरा फैशन में जब हम माल डिलीवर करते हैं तो हजारों साड़ियों के बीच कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली साड़ी भी फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन हम कभी भी ऐसी साड़ियां ग्राहक को नहीं पहुंचने देते हैं या नहीं बेचते हैं। ग्राहकों को हमेशा बेस्ट माल ही भेजा जाता है। इसलिए आज हजारों कपड़ा व्यापारी हम पर भरोसा करके व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से ही अपना ऑर्डर दे देते हैं और माल मंगा लेते हैं। अगर आप ग्राहक के साथ ईमानदार बने रहेंगे तो निश्चित ही वो आपको मालदार बना देगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है गांव में नई दुकान खोलने से संबंधित ये टिप्स आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और बिजनेस से रिलेटेड और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये जानकारी
आप लोगों के काम की हो, या आपको लगता है कि आपके किसी रिलेशन वाले के या आपके किसी दोस्त के भी ये जानकारी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, बेल आइकन जरूर दबा देवें जिससे कि इस तरीके की जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।